हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आर इंट वेल आज का जो वीडियो है वो है एथनिक हॉल पे और जो भी चीज़ें ली हैं अमेज़ॉन से ली है मैंने और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अंडर वन थाउजेंड आपके सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलना बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना तो बात करते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट की जो कि है ये सूट ये जो सूट है मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी सूट पर टेन थाउजेंड प्लस रिव्यूज़ थे मैंने इसे परचेज़ किया आ, मुझे देखना था ऐसे ऐसा क्या है इसमें बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसका जो फैब्रिक दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने पॉली कॉटन Uh, uh, soft, बहुत ही सॉफ्ट बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है इसका जो ये कलर है ये बहुत ज़्यादा प्यारा है मतलब मुझे इस तरह के कलर्स बहुत पसंद हैं इस पर वाइट और यह जो लाइट ग्रीन कलर का ही वर्क मतलब काम है और इस पर जो वाइट कलर की ना बॉर्डर दे रखा है दुपट्टे के चारों ओर और, और वही इसकी नीचे के बॉटम में है एज अ बॉर्डर और फ्रंट में जो काम आप देख रहे हो सूट में वो भी इसमें वर्क जो है वो ही थ्रेड का है वाइट थ्रेड का जो एम्ब्रॉयडरी दे रखी है दुपट्टे में ओवरऑल वाइट कलर का प्रिंट दे रखा है और ओवरऑल जो ये सूट है पीछे से बिल्कुल प्लेन है फ्रंट में इसके इस तरीके से वाइट कलर का प्रिंट है और चारों तरफ बॉर्डर है और वही इसकी स्लीव पर भी प्रिंट है और बॉर्डर है इस तरीके से पूरा सूट है लुकिंग वाइज ये सूट बहुत ज़्यादा प्यारा है और ये जो हॉल है मेरा ये रक्षाबंधन के उस पर मैंने बनाया है आप ये सूट वेयर करोगे बहुत प्यारा सूट है एक तो ये कम्फर्टेबल है तो ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी सूट ले लिया कि भाई फेस्टिवल है बहुत हैवी सूट ले लिया लेकिन गर्मी में मतलब हो रहा है कि बेहाल हो रहे हैं या भी कुछ है हमेशा चीज़ वो लेनी चाहिए जैसे आप कम्फर्टेबली वेयर कर पाओ आगे भी सिर्फ एक ओकेजन को सोच के हम कोई चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते करनी भी नहीं चाहिए एक्चुअली तो जो ये सूट है इसमें आप वाइट कलर के ईयर रिंग्स वेयर कर सकते हो बहुत छोटे बड़े जैसे भी आपको करना है एथनिक वेयर में मैंने छोटे से एथनिक ईयर रिंग्स वेयर किए हैं और इसमें नीचे आप वाइट कलर की जूतीस पहन सकते हो बहुत प्यारी लगेगी बहुत प्यारा सेट लगेगा मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी माई हॉल स्टोर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से परचेज कर सकते हो तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है ये पॉली शिफॉन कुर्ता ये इसमें सिर्फ कुर्ता है नीचे का बॉटम मेरा अपना है मॉडल ने वाइट कलर के बॉटम के साथ पेयर किया है मैंने ब्लैक के साथ किया है मैंने वाइट के साथ किया था अच्छा वो भी लग रहा था पर मुझे ब्लैक के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो ऊपर का जो पिंक कलर है ना वो वैसे भी थोड़ा सा ब्राइट साइड है तो मुझे ऐसा लगा कि वाइट के ऊपर वो और ज़्यादा ब्राइटनेस की तरफ ही जा रहा था तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए नीचे ब्लैक इसके साथ पेयर किया है एंड गाइस ये वाली कुर्ती बहुत प्यारी है और इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिशिफॉन है इतना ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर एक लाइनिंग दे रखी है तो ट्रांस ही नहीं है ऊपर से इसका जो एक आप पास से देख सकते हो लुक है जो बटन्स आप देख रहे हो तो ऊपर का एक ही बटन खुलता है ठीक है इसमें हुक दे रखा है इस तरीके से बाकी जो बटन्स है वो शो के लिए है, वो खुलते नहीं हैं आगे से हल्का हल्का हाफ मतलब वेस्ट तक आप देख सकते हो पूरा प्लेट्स वाला डिज़ाइन है शोल्डर से लेके मिड वेस्ट तक और उसके आगे ये थोड़ी सी लूज़ पैटर्न की है फ्रंट में सारे में बटन्स दे रखे हैं पर वो खुलते नहीं है सिर्फ ऊपर का एक बटन ओपन होता है वो भी हुक है उसमें इसलिए इसमें जो टेक्सचर दे रखा है ना फैब्रिक में इस तरीके का आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें फुल स्लीव्स हैं और बहुत सॉफ्ट सी स्लीव्स हैं ये इतना कंफर्टेबल है कि आप जब इसे वेयर करोगे और आप इसको टच भी करोगे ना आपको इसे प्यार हो जाएगा इतना प्यारा कपड़ा है इस पर आप ईयरिंग्स पहन सकते हो मैंने ब्राइट पिंक कलर के और गोल्डन कॉम्बिनेशन uh, की ईरिंग्स इसके साथ पेयर किए हैं आप कुछ ऐसा भी रक्षाबंधन पर पहन सकते हो क्योंकि आप इसे अलग जगह भी पहन सकते हो जैसे आप इसे ऑफिस में पहन सकते हो आप इसे ऐसा ड्रेस भी पहन सकते हो बिना बॉटम के वो भी अच्छा लगेगा तो आते मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है ये वाली कुर्ती ये कुर्ती मुझे बहुत प्यारी लगी एक तो ये स्लीवलेस है मुझे स्लीवलेस ज़्यादा पसंद चीज़ है चीज़ें बाकी इसका जो पैटर्न है साइड में इतनी लंबी स्लिट दे रखी है बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और जो स्लिट दे रखी है उसके दोनों तरफ बॉर्डर है वाइट कलर का प्रिंट दे रखा है और कुर्ती के नीचे में बॉटम में भी प्रिंट है और ऊपर फ्रंट में भी है बाकी ये प्लेन है मैरून कलर की इसमें आपको एक और कलर मिल जाएगा अगर आपको मरून नहीं लेना आप चाहो तो ब्लैक कलर ले सकते हो तो ब्लैक कलर भी है और आप देख सकते हो कितनी लंबी स्लिट दे रखी है मैंने सिंपली इसके साथ वाइट कलर की जीन्स पेयर की हुई है और ये जो जींस है मेरी ये लो वेस्ट है काफ़ी ज़्यादा और इसमें बहुत ज़्यादा नीचे आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मुझे ये अच्छा लगा थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा था कि लेगिंग्स क्योंकि मेरे पास वाइट लेगिंग्स मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने इसलिए जींस पेयर करी है इसके साथ तो आप वाइट लेगिंग्स भी पेयर कर सकते हो वाइट प्लाजो भी कर सकते हो स्कर्ट भी कर सकते हो जीन्स भी कर सकते हो ये बहुत अच्छी है अगर आप ऑफिस जाते हो तो भी अच्छी लगेगी आप उस हिसाब से ड्रेस करोगे फिर से थोड़ा और सिंपल और मैंने इसमें वाइट कलर के एयरिंग्स पेयर किए हैं जो कि एथनिक ईर हैं और इसमें आप देख सकते हो इसकी जो स्लीव्स हैं उसके साथ अटैच नहीं आई है ये स्लीवलेस ही है पर जो कट दे रखा है बिल्कुल कवर्ड है कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ साइड से थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना दिखता है ऐसा कुछ नहीं है लंबा नहीं है इसका जो अंडर आर्म का वो है बाकी इसका जो रेट है फोर सेवनटी नाइन रुपीज़ में ये बहुत ज़्यादा प्यारी कुर्ती है मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी इसकी इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो आप इसे परचेज़ कर लो फोर सेवेंटी नाइन में ये बेस्ट डील आपको मिल रही है आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो बात करते हैं मेरे थर्ड प्रोडक्ट की जो कि है ये लाइट पिंक कलर का कुर्ता सेट इसमें कोई दुपट्टा वगैरह नहीं है ये सिर्फ एक कुर्ता सेट है और इसका जो नेक है बिल्कुल बंद है मतलब छोटा सा बहुत हल्का सा गोल्ड डिज़ाइन दे रखा है मैंने इस पर थोड़े से बड़े ईयर रिंग्स पेयर किए हैं पीच कलर के ही हैं वो ईयरिंग्स मैचिंग के उसमें थोड़ा सा गोल्डन काम भी है और ये भी मुझे राखी के हिसाब से बहुत सिंपल और शोबर लगा मतलब अच्छे से सिर्फ कैरी कर सकते हो इसका जो फैब्रिक है वो पॉली सिल्क है इसमें जो आगे फ्रंट में डिज़ाइन दिया हुआ है पूरे कुर्ते पे वो फॉयल प्रिंट वाला डिज़ाइन दिया हुआ है बैक में बिल्कुल सिंपल है बैक में कोई डिज़ाइन नहीं है नीचे का जो ट्राउज़र है आप देख सकते हो वो भी बिल्कुल सिंपल है पिंक कलर का और नीचे से नैरो है मतलब ट्राउज़र वाला पैटर्न है प्लाजो वाला नहीं है काफ़ी स्मार्ट लग रहा है आप इसको सिल्वर ज्वेलरी के साथ कर सकते हो पेयर आप इसे मतलब कोई भी एयरिंग्स के साथ पेयर कर सकते हो तो पास से आप देख सकते हो उस तरीके का इसका प्रिंट है और गाइस लोग डर जाते हैं कि फॉल प्रिंट होता है तो धोने से ख़राब हो जाता है मैंने माना कि वो होता है ख़राब लेकिन अगर आप उसे मशीन वॉश करते ही रहोगे करते ही रहोगे वैसे मुझे लगता है कोई भी कपड़ा ले लो किसी को भी आप मशीन वॉश करते ही रहोगे तो उसकी ना जो क्वालिटी है उसकी जो एक लाइफ होती है वो कम होती है तो अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक चले तो मुझे लगता है आपको खुद से अपने हाथों से उसे वॉश करना चाहिए सर्फ में नहीं करना चाहिए ईजी में करना चाहिए क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है और जो भी स्वेट की स्मेल होती है या हल्का फुल्का जो डर्ट होती है वो सब निकाल देती है तो इस वजह से आपको अगर कपड़ों की लाइफ ज़्यादा बढ़ानी है तो आपको उस हिसाब से उसकी केयर रखनी पड़ती है तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है ये अनैदर कुर्ता ये भी नीचे का जो आप देख रहे हो बॉटम मॉडल पे वो उसके साथ नहीं आए सिर्फ एक कुर्ता है तो मैंने इसे वाइट जीन्स के साथ ही पेयर किया है एक्चुअली मेरे पास इस तरह की सेम स्कर्ट है आपने शायद मेरे अदर एथनिक हॉल्स में देखी हो उसकी लेकिन चैन खराब हो गई थी साइड से और वो और उसका हुक तो था पहले से ही ख़राब था तो चैन भी खराब हो गई थी तो उसका ही नहीं रही थी वरा तो मैं उसे इसी तरह की स्कर्ट के साथ आपको ये पेयर करके दिखाती मेरा बड़ा मन था क्योंकि वो स्कर्ट में काफ़ी फ्लेयर है तो आप कोई भी स्किन कलर की जैसे कि ये है बेज या स्किन कलर की स्कर्ट प्लाजो कुछ ले सकते हो या वाइट पेप ऊपर भी पहन सकते हो और इसके साथ इसे पेयर कर सकते हो इस कुर्ते का जो लुक है आप देख सकते हो पत्ती सी स्टेप दे रखी है और आगे हल्का सा स्वीट हार्ट नेक पैटर्न दे रखा है फ्रंट में बटन से जो सिर्फ शो के लिए हैं ओपन नहीं होते पूरी कुर्ती में टेक्सचर दे रखा है और फ्रंट में ही मिड में से लो तक जो है एक स्लिट दे रखा है बहुत लंबा स्लिट नहीं है कि ऑड लगे बहुत प्यारा स्लिट है और जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो कट है वो भी बिल्कुल कवर्ड है अंदर पूरी लाइनिंग इसके साथ अटैच ही है तो कुछ भी चांसी नहीं है और जो टेक्सचर इस ओवरऑल कुर्ती पे दे रखा है फ्रंट में और बैक में वो काफ़ी प्यारा लग रहा है और इसको आप बहुत ही मतलब अपने हिसाब से इसको ड्रेसअप कर सकते हो कि आपको इसे बहुत ही ज़्यादा वैसे ड्रेस करना है कि बिल्कुल ही एथनिक के हिसाब से तो उस हिसाब से कर सकते हो सिंपली आपको जीन्स वगैरह पर डाल के आ, मतलब आपको कॉलेज जाना है या कहीं वेयर करना है वैसे कर सकते हो तो है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है नैदर कुर्ता ये कुर्ता मैंने ऐसे ही मंगाया था मतलब मुझे इसे ऐसे ही करना था ड्रेस इसके नीचे मुझे बॉटम वेयर नहीं करनी थी मुझे इसे एजा ड्रेस ही वेयर करना था एक्चुअली इसका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल प्योर कॉटन है एंड गाइस इसे पहनने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ वेयर किया है ये इतना ज़्यादा लाइट था इतना कम्फर्टेबल है सबसे बड़ी बात इसकी स्लीव्स जो है एल्बो से हल्की सी नीचे है और इसमें बहुत पतला सा बॉर्डर दे रखा है फ्रंट में नेक पे वही बॉर्डर इसकी स्लीव्स के एंड पे है ओवरऑल इसमें प्रिंट दे रखा है आगे भी पीछे भी और स्लीव पे भी एंड गाइस ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी है मतलब ये जो कुर्ता है बहुत अच्छा है आप इसे वैसे भी पेयर कर सकते हो जैसे मॉडल ने किया है प्लाज़ो के साथ या स्कर्ट के साथ ही मर्जी आपकी है पर मुझे मतलब इस तरह से ऐसा ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा एक तो लाइट फैब्रिक है इसका प्रिंट बहुत प्यारा है प्रिंट इस तरीके का है कलर कॉम्बिनेशन जो ज़्यादातर स्किन टोन पे सूट करेगा और जैसे कि हल्का हल्का लूज़ पैटर्न तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए भी ये कुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें लूज़ कुर्ते ही पहनने पसंद करती हैं गर्ल्स जिससे वो कम्फ़र्टेबल रहें और उसके हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा है तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी क्योंकि एक तो ये कॉटन है समर्स के हिसाब से है और इसमें आप अपना साइज़ ले सकते हो देख सकते हो आप स्मॉल साइज़ मुझे हल्का सा लूज़ ही है और इसमें सेवन थर्टी सिक्स रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा इस टाइम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो आते मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है नैदर्स सेट कुर्ता ट्राउज़र सेट इसके नीचे ट्राउज़र दे रखा है जिसमें पोल का डॉट दे रखा है गोल्डन कलर का प्रिंट और जो आप ऊपर का कुर्ता देख रखे उसका नेक इस बिल्कुल बंद है आगे बटन्स का डिज़ाइन दे रखा है पर वो बटन ओपन नहीं होते हैं पतला सा बॉर्डर भी है बटन्स के जस्ट पीछे की साइड में और इसमें ओवरऑल प्रिंट दे रखा है कुर्ते में जो कि स्लीव पे भी है फ्रंट में भी है बैक में भी है और जो फ्रंट में मिड में बिल्कुल एक बॉर्डर दे रखा है गोल्डन वही इसकी स्लीव में एंड में भी है तो जो पास से मैं आपको दिखाऊंगी आपको प्रिंट और बॉर्डर तो तब दिखेगा अगर ओवरऑल इसकी लुक सामने से देखी जाए तो वो बहुत स्मार्ट है और इसके जो कपड़े में ना हल्की सी शाइन है इसका जो फैब्रिक दे रखा है वो पॉलिश सिल्क दे रखा है और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो प्रिंट है जो बैक में भी है फ्रंट में ही नहीं है खाली तो इस तरीके का गोल्डन बॉर्डर है जो आप देख सकते हो तो बीर को बीच में भी और ये बटन्स हैं जो ओपन नहीं होते बिल्कुल शो के लिए हैं जो इस पर प्रिंट दे रखा है कुर्ते में वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसकी जो स्लीव्स है वो एल्बो से हल्की सी नीचे की साइड है जो कि मुझे लगता है कि एथनिक वेयर में ज़्यादातर जैसे कुर्ता सेट वगैरह होते हैं उसमें जो स्लीव्स थ्री फोर्थ होती हैं एल्बो के नीचे तक होती हैं फुल होती हैं मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं एथनिक वेयर में ओवरऑल नाइन ट्वेंटी फाइव रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा फैब्रिक काफ़ी कंफर्टेबल है आप इसको अच्छे बड़े ईयर के साथ पेयर कर सकते हो छोटे ईर के साथ कर सकते हो और ये भी बहुत अच्छा ही सेट है राखी पे पहनने के लिए तो आते मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है ये चोली और धोती पैटर्न टाइप सेट है ये जो ऊपर का कुर्ता है उसका जो फैब्रिक है वो पॉली क्रेप है उसमें फ्रंट में प्रिंट दे रखा है बैक बिल्कुल प्लेन है आगे का जो नेक पैटर्न है जो वेस्ट तक जा रहा है इसकी मिड वेस्ट तक यानी बस तक जा रहा है वो बिल्कुल आपका क्रॉस में जा रहा है और इसमें नीचे की साइड बहुत ब्रॉड प्रिंट दे रखा है जो कि फॉयल प्रिंट है साइड में छोटी दो डोरी भी दे रखी है और उसमें थोड़े छोटे आपके टेसेस भी लग रहे हैं जो कि शायद गोल्डन फैब्रिक में ही है जो पास से मैं आपको दिखाऊंगी देख जाएगा नीचे के बॉटम की बात करूं तो बिल्कुल धोती पैटर्न दे रखा है बीच में गोल्डन कलर का बॉर्डर आ रहा है धोती में आप देख सकते हो और इस तरीके का इसका पैटर्न है डार्क ब्राउन कलर है लास्टिक दे रखी है और काफ़ी लूज़ है नीचे की धोती जो है तो आप कंफर्टेबली उसमें बैठ पाओगे ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट है आप उस पर सिट नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से इसका क्रॉस बॉर्डर दे रखा है आप देख सकते हो और वेस्ट से नीचे तक थोड़ा सा लूज़ पैटर्न है थोड़ा आ, अच्छा लग रहा है आप इसे आराम से राखी में पहन सकते हो उसके ईयरिंग्स वगैरह डाल के जोती होती के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ये सेट ओवरऑल आपको रीज़नेबल प्राइस पे मैंने ये हॉल बनाया है कि रीज़नेबल प्राइस में आपको ऐसे कुर्ता सेट दिखा दूँ जो कि आप वेयर कर पाओ ओकेजन पर जो कि आपको पता ही है राखी आने वाली है सिक्स सेवेंटी नाइन रुपीज़ में आपके मिल जाएगा आप इसमें अपना साइज़ ले सकते हो मैंने इसमें अपना ही साइज़ लिया जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है और गाय जैसे कि मेरी वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट था तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलना बैलैकन ज़रूर प्रेस करना मिलती है मेरी नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्दी तब तक के लिए बाय